नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय कवर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। प्रदीप श्रीवास्तव जी, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी को यहां पर एक प्रपत्र 20/12/2020 यानी कि आज ही यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि और उनकी मांगों को लेकर जिक्र किया गया है। प्रपत्र में लिखा है कि महोदय जी, आपके संज्ञान में लाना यह आवश्यक है कि हम 62 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स देश के विभिन्न औद्योगिक संस्थान, भारत सरकार के निगम, स्टेट सरकार के निगम, प्राइवेट औद्योगिक संस्थान में कार्य करते हुए अपने वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती हर माह करते थे और देश के विकास में सहयोग करते थे। आज बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस महंगाई के माध्यम में भी मात्र 300 रुपये से 3000 रुपये तक ही यहाँ पर पेंशन प्राप्त हो रही है और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग इस बुढ़ापे में भी मजदूरी करने के लिए यहाँ पर विवश है। माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रयास से दिनांक 4 मार्च 2020 को अपने साथ एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर 65 लाख बृहद्वित असहाय निर्बल नागरिकों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए हमारी दुर्दशा को अवगत कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी को निर्देश दिया था और जल्द ही निदान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ीसा ने माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार को पत्र के माध्यम से उड़ीसा प्रदेश में रहने वाले 1,62,000 ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हित को ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन किया है कि उनकी जो है पेंशन वृद्धि की जाए। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश के निवास करने वाले ईपीएस 95 के लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को हित में ध्यान में रखते हुए आप भी अपने स्तर पर प्रयास जरूर करेंगे। महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी अपने स्तर पर प्रयास कर उत्तर प्रदेश के 20 से 25 लाख पेंशनधारकों की सहानुभूति प्राप्त करें और पेंशन के रूप में 7,500 महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा के रूप में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा देकर सम्मानपूर्वक जीने का हक दिलाने का प्रयास करें और यश की भागीदारी बने। तो ये प्रपत्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम यहां पर लिखा है। तो यही वीडियो, ये जानकारी अब तक पहुंचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।